इस तेमसो झील के बारे में कोई कोई विशेष महत्व है उसका क्या महत्व है इसके बारे में थोड़ा सा ज्ञान विचार प्रकट करें। यस, मेरा मतलब ये है अज्ञातवास में उत्तर भारत में ये पांडव लोग आए थे, उत्तर भारत में आए थे, ये भी उत्तर भारत ही रहता है। यहाँ पे पांडवों का ऐसा दो यहाँ पे हमारा झील है, दोनों झील में जो है नीचे से चक्का बिछा के रखा है। एक झील द्रौपदी ताल है, उससे यहाँ हम आपस में देखेंगे तो वो ताल दिखता नहीं है, पर्वत से वो दिखता है। ऐसा ताल कहीं भी नहीं होगा जहाँ यहाँ पे जो चक्का बिछा है। आप बताएं इस झील पे आने के लिए 20 बातों का दिन क्यों चुना गया है? वो हमारा पारंपरिक चीजें थी, देवते का एक ऐसा था आस्था थी इस झील के साथ, द्रौपदी पांडव के साथ इंसान जुड़ा था। देवता जी भी हिंदू हैं और बुद्धिस्ट भी हैं। उन्होंने बोला कि भाई 20 भादों को जो है आप लोगों ने ऊपर जाना है और हम तब आते हैं आस्था के साथ। आप यहाँ पर कितने बार पहुँचे हैं? मैं 7 बार। 7 बार? 7 बार। इन 7 वर्षों में आपको कोई इसमें परिवर्तन दिखा कोई? नहीं, बहुत शानदार। मतलब मेरा कहना ये है यहाँ कोई गंदगी नहीं है और एक ऐसा ताल है यहाँ पे नीचे से चक्का बिछाया हुआ है, ऐसा ताल हिंदुस्तान में शायद कहीं भी नहीं होगा मेरा अपने हिसाब से। पर्वत के टूट के भी पड़ा होगा तो मेरे को ऐसा नहीं लगता है कि यहाँ पर पत्थर टूट के भी चक्का नहीं लगा होगा मेरे हिसाब से। कैसे लगा आपको? आप कितने सालों से इस लेक को देख रहे हैं? इसको तो हम कोई लगभग 20 सालों से देख रहे हैं। 20 साल पहले एक बार आए थे, उसके बाद अभी दूसरी बार आ रहे हैं। पूरे सफर का थकावट इस झील को देख करके सब दूर हो जाता है, थकान दूर हो जाता है। और इसमें कोई आजकल में कोई बनावटी चीज नजर आ रहा है या नहीं? अभी तक तो कोई बनावटी चीज तो ऐसा कुछ नहीं है यहाँ, जैसा है वैसा ही है। इस बार भी काफी पानी और भी है और काफी बड़ा झील भी है। इसका महत्व जो है हिंदू और हिंदू और बुद्ध धर्म के साथ दोनों बुद्धिस्ट में ज्यादातर बुद्धिस्ट में इसका बहुत ज्यादा महत्व है। देखने कितने के लोग आए हैं अभी तक? इस बार हमारे कानम 45 के करीब आए हैं, कानम गाँव कानम से और गाँव से जैसे दीगर गाँव से आते हैं, स्पीलो से आते हैं और लाबरंग से आते हैं। आगे तो बादो 20 में जो है यहाँ लगभग 80 से 90 के बीच श्रद्धालु आते हैं तीनों गांव से, और रोपा वैली वाले आते हैं, ग्याबोंग से आते हैं, रुचकलंग वाले आते हैं, तो वैली ही आते हैं और सारी। देखिए आप यहाँ पर कितने सालों से आ रहे हैं? 2 साल जी। आप क्या करते हैं? हाँ जी, क्या क्या कहाँ नौकरी करते हैं? मैं आर्मी में हूँ। हाँ जी, और दूसरी बार मौका मिला मुझे यहाँ आने का, बहुत खुशी सा महसूस कर रहा हूँ यहाँ पे, अच्छा महसूस कर रहा हूँ। ठीक है। और मैडम जी आपका क्या नाम है? मेरा नाम यशोदा है। आप यहाँ पर कितने बार आए हैं? एक बार। इसमें क्या पर देखा आपने, इसमें आपके लिए क्या कौन सी चीज अच्छी लगी इसमें? सबसे ज्यादा अच्छी तो यही लगी झील और एरिया। अच्छा, दोबारा आने की आपका कोई इच्छा है? इच्छा तो है पर पहुंचूंगी नहीं पहुंचूंगी ये नहीं पता। हाँ, और इच्छा रखेंगे तो पहुंचेंगे सही कभी न कभी तो। हाँ जी, हाँ जी।